बस तीन चार कमियां हैं इसमें, वरना ये ऑलराउंडर स्मार्टफोन हो सकता था। कैमरा के अंदर एक्सपोजर कंट्रोलिंग मतलब उस लेवल की नहीं है। नमस्कार, मैं हूं हिंद गुर्जर। क्या आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं, बस इसी सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि हम इसे काफी लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं और क्या क्या खूबियां हैं। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक बाद में कर देना। सबसे खतरनाक चीज 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, जो काफी ज्यादा स्मूथ है। कितना भी घुमा फिरा के देख लो, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि ये 13,000 रुपए का स्मार्टफोन है, पर सेम प्राइस में Redmi Note 11 भी आता है और उसमें AMOLED स्क्रीन है एंड इसमें IPS, तो कौन सा लेना बेस्ट रहेगा? हमने दोनों स्मार्टफोन्स चला के देखे हैं, उसका रिव्यू भी किया है हमने, तो इस स्मार्टफोन की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मतलब AMOLED की कमी फील नहीं होने देती, बिल्कुल बटरी एक्सपीरियंस मिलता है इसका। तो कह सकते हैं दोनों स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में तो ठीक ठाक है। हाँ, फीचर्स का तो भैया दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बाकी इस स्मार्टफोन में 6 लेवल्स ऑफ अडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलते हैं, स्टैंडर्ड पे 60 हर्ट्ज, हाई में 120 हर्ट्ज एंड ऑटो सेलेक्ट करने के बाद में मतलब आपके काम धाम के अकॉर्डिंग ये जो रिफ्रेश रेट है अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जिससे आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी सेव कर पाएंगे। अब अगर आप इस स्मार्टफोन में वीडियोस देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि कलर कॉन्ट्रास्ट ओवरऑल जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है काफी मस्त मिलता है। हाँ, स्मार्टफोन को कितना भी घुमा फिरा के देख लो, हर एंगल से जो कलर्स हैं काफी एक्यूरेट देखने को मिलते हैं। इंडोर में तो सब कुछ प्रॉपर दिखता है, पर हम टेस्टिंग करेंगे डायरेक्ट सूर्य देवता के कॉन्टेक्ट में, एक तरफ स्मार्टफोन दूसरी तरफ सूर्य देवता एंड बीच में टेस्टिंग करने के लिए हम, पर इतनी ज़्यादा हार्श लाइट में भी स्क्रीन के अंदर सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है, तो आउटडोर में यूज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्टफोन वाइड वाइन 11 सपोर्ट करता है, तो फिर बेला चाओ भी आराम से देख सकते हो। हमारे पास में AMOLED स्क्रीन वाला स्मार्टफोन भी है, हम दोनों स्मार्टफोन्स में एक साथ वीडियो चलाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि AMOLED और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन की जो क्वालिटी है उसमें कितना बड़ा फर्क देखने को मिलता है। पर एक दिक्कत है, अगर स्मार्टफोन को सामने की साइड से देखोगे तो वही दादा परदादा के ज़माने की डिज़ाइन देखने को मिलती है, मतलब वही पंचोल, वही ऊपर नीचे से बड़े बड़े वेजल्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसकी पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, तो स्क्रैचेस काफ़ी जल्दी आते हैं, मतलब आपको हमेशा कवर लगा के रखना पड़ेगा। अगर आप अपने स्मार्टफोन को बिना कवर लगाए खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो गैजेट शील्ड को एक बार जरूर चेक करें। यहाँ हर स्मार्टफोन की रंग बिरंगी चमकीली मतलब हर तरह की स्किन्स मिलती हैं। इसके अलावा रैप्स, फोन कवर्स, स्क्रीन गार्ड, बॉडी प्रोटेक्टर फॉर फोन्स, लैपटॉप, टैबलेट्स, मैकबुक, मतलब सबके लिए। मैंने भी अपनी मैकबुक के लिए एक फुल बॉडी प्रोटेक्शन मंगाया है एंड इट्स परफेक्ट। अब इतना अच्छा स्मार्टफोन है पर सिंगल स्पीकर और सिंगल माइक दिया है इसमें, मतलब ठीक है स्पीकर की क्वालिटी तो फिर भी ठीक ठाक आ जाती है। अगर धुंध दफाड़ वाले एरिया में आप बात कर रहे हैं तब भी आवाज़ का जो आदान प्रदान है ठीक ठाक हो जाता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिंगल चीज़ें बिल्कुल बेकार होती हैं। नाउ टॉक अबाउट सिक्योरिटी, तो अकॉर्डिंग टू कीमत जो फेस अनलॉक है काफ़ी फास्ट काम करता है। अब IPS पैनल है तो ऑब्वियसली बात है कि साइड वाला ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और ये भी काफ़ी सही काम करता है, पर अगर आप काफ़ी गौर से देखेंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा गौर से देखेंगे, तो थोड़ा सा स्लो कभी कभी हो जाता है, बट नॉर्मली पता नहीं चलेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी भी फर्स्ट क्लास है। इसके जो वॉल्यूम रॉकर्स हैं ये थोड़े से टाइट हैं, मतलब थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन्हें दबाने में, हालांकि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर रिव्यू कर रहे हैं तो भैया बताना तो पड़ता है ना यार। हैप्टिक्स इतने तोप वाले तो नहीं है, पर हाँ जब हम टाइप करोगे तो हल्की फुल्की झनझनाहट होती है हमारी उंगलियों में, तो हाँ मतलब जो हैप्टिक मोटर है वो भी थोड़ा ठीक ठाक काम करती है। अब थोड़ी शक्ल की बात कर लेते हैं, अपनी नहीं स्मार्टफोन की, तो गलती कर दी यार काला रंग लेके, क्योंकि इसका जो स्पीडी ब्लू है ना काफ़ी खतरनाक लगता है देखने में, पर अब कर क्या सकते हैं, देखने में काफ़ी ठीक ठाक है। पर कुछ टाइम पहले हमने एक स्मार्टफोन का रिव्यू किया था, Realme 8i, मतलब उसके कपड़े उतार कर इसे स्मार्टफोन पे चढ़ा दिए हैं और कंपनी ने नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, मतलब हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं, हम तो लल्ला हैं। बस इसका बैक पैनल का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बाकी ऑलमोस्ट Realme 8i जैसा ही लगता है। स्मार्टफोन में 4G प्लस एग्रीगेशन सपोर्ट नहीं है, तो जैसे तैसे काम चलाना पड़ेगा। वैसे इस चीज़ से कोई इतनी बड़ी दिक्कत होती नहीं है, पर हर किसी की अपनी नीड है। अच्छा, डिज़ाइन तो पुरानी वाली है ही, पर आज के ज़माने में भी ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 पे काम करता है, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। और ऊपर से Realme UI 2 है इसमें, तो अगर कंपनी वाले ये दो चीज़ों को अच्छा कर देते तो ये स्मार्टफोन इस बजट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता था, पर अफसोस। नाउ टॉक अबाउट ताकत वाली चीज़ों के बारे में, इस स्मार्टफोन की वन ऑफ द बेस्ट खासियत
आई मीन प्रोसेसर, कम पैसों में प्रॉपर गेमिंग करने वाला प्रोसेसर मिलता है इसमें, मतलब 12 नैनोमीटर बेस्ड हैवी टास्क करने वाला। अच्छा, डिस्प्ले कैसा परफॉर्म करती है ये स्क्रीन फीचर्स के साथ साथ काफी हद तक डिपेंड करता है किसी भी स्मार्टफोन के प्रोसेसर पर, और इसीलिए इस स्मार्टफोन की स्क्रीन में कितना भी नाच के देख लो, कहीं भी घूम फिर लो, स्क्रीन बिल्कुल भी लैग नहीं करती है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा हैवी टास्क कर लोगे, लाइक क्रोम पे 20-25 टैब खोल के रख दोगे, बैकग्राउंड में 20-25 एप्लीकेशंस ओपन करके रख दोगे और उसके बाद में गेमिंग करोगे, तो यार फिर तो स्मार्टफोन मर सकता है ना। हाँ, स्मार्टफोन की रैम ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी, मतलब बहुत थोड़ी सी सही नहीं है, क्योंकि जब आप बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशंस ओपन करके छोड़ देते हैं तो 10-15-20 मिनट या फिर आधे घंटे के बाद में कुछ एप्लीकेशंस अपने आप बंद हो जाते हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। वैसे सोचो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आप एप्लीकेशंस को दोबारा भी ओपन कर सकते हैं ना। पर इस स्मार्टफोन के दो वेरिएंट्स हैं, एक 4GB वाला और दूसरा 6GB वाला। तो 4GB वाले वेरिएंट में जो रैम एक्सपेंड करने का ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलता, सिर्फ 6GB वाले में देखने को मिलता है। हालांकि रैम बढ़ा के कोई फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत है स्मार्टफोन की गेमिंग को लेकर, जब आप 1.5-2 घंटे लगातार गेमिंग करते हैं तो स्मार्टफोन के अंदर थोड़ी सी गर्माहट आने लगती है, पर इससे परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, स्मार्टफोन हीट होता है, ओवरहीट नहीं होता, तो इस बात की टेंशन मत लो। अगर आप पबजी के दीवाने हैं तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे दबा के खून खराबा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और जायरो भी काफी परफेक्ट काम करते हैं। वैसे हम तो टेम्पल रन खेलने वाले लोग हैं, तो अच्छा स्मार्टफोन है, इन हैंड फील भी बिल्कुल खतरनाक है। स्मार्टफोन को एक हाथ से आराम से यूज कर सकते हो, पर कभी कभी दोनों हाथों का उपयोग करना पड़ सकता है। पर ब्लोटवेयर का थोड़ा सा इशू है, आई मीन काफी सारे एप्लीकेशंस अनइंस्टॉल हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। वैसे इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें अपना के आप जो स्टोरेज है उसे थोड़ा बहुत खाली कर सकते हैं। बैटरी का तामझाम काफी ठीक ठाक है, आई मीन 33 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो 1 घंटा 15 से 18 मिनट में स्मार्टफोन की जो बैटरी है फुल चार्ज हो जाती है। अब बैटरी लाइफ डिपेंड करती है आपके यूज पे कि आप किस तरह से यूज कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप स्मार्टफोन में हमेशा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इनेबल करके रखते हैं तो फिर बैटरी थोड़ी जल्दी से खत्म हो जाएगी, अदरवाइज नॉर्मल यूज पर एक दिन तो आराम से चला सकते हो। नाउ टॉक अबाउट कैमरा, लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं इसकी शक्ल देखकर, मतलब दूर से देखा तो 4 कैमरे थे, दूर से देखा तो 4 कैमरे थे, पास जाके देखा तो एक फ्लैशलाइट निकली। थैंक यू। तो कैमरा यूआई वही है पुरानी परंपरा वाला, फोटोज़, वीडियोस, पोर्ट्रेट, मोर, एंड मोर में कुछ काम की चीज़ें मिल जाती हैं लाइक डुअल वीडियो, स्लो मोशन, मूवी एंड अल्ट्रा मैक्रो। चलो अब सच्चाई से रूबरू कराते हैं, तो ये सारे नॉर्मल फोटोज़ हैं, मतलब आराम से देखो, धक्का मुक्की मत करो। काफ़ी सारे फोटोज़ हमने खींचे हैं, मतलब डिफरेंट लोकेशंस पर, डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में, तो थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिल सकता है। बाकी जूम का भी ऑप्शन है इसमें अप टू 10x मैक्सिमम, पर यार इसका कोई फायदा नहीं है, मतलब बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं आती, तो जूम तो रहने ही दो यार। अब चलते हैं पोर्ट्रेट की तरफ, तो इसमें काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं और आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी चिपका सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल मोड में स्मार्टफोन से फोटो कैप्चर करते टाइम ऐसा लगता है जैसे जिंदगी से सारे रंग उड़ गए हो, बट आफ्टर प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी डिटेल आ जाती है यार। जैसे ये बादल अभी सफ़ेद है बिल्कुल, बट आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग एकदम हालात बदल जाते हैं यार, मतलब इस स्मार्टफोन के कैमरा से काफ़ी खतरनाक फोटोज़ खींची जा सकती हैं। अच्छा, इसका जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है, पर 50 मेगापिक्सल से अगर आपको फोटो कैप्चर करना है तो मैनुअली जाकर सेट करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल और 50 मेगापिक्सल वाले फोटो में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। हाँ, 50 मेगापिक्सल वाला थोड़ा सा वाइड है और कभी कभी ऐसा लगता है कि 50 मेगापिक्सल वाले में जो सैचुरेशन है ना थोड़े से बढ़ा दिए गए हों। इसमें एक एक्सपर्ट मोड है, बेसिकली उसमें आप मैनुअली सारी चीज़ें एडजस्ट या फिर सेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं लगता। इसका मूवी मोड भी कोई यूज़फुल नहीं है। अच्छा, ये जो फीचर्स हैं, आई मीन एक्सपर्ट मोड हो गया, मूवी मोड हो गया, और भी 2-4 हो गए, इन्हें 99% से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं करते, पर कंपनी अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में फालतू के फीचर्स ऐड करती रहती है। हाँ, अल्ट्रा मैक्रो जो फीचर है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है, और जो फोटोज़ आती हैं ना इससे वो भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक आती हैं, तो ये कुछ सैंपल्स हैं, यू कैन चेक इट आउट। नाउ टॉक अबाउट वीडियोग्राफी, इस स्मार्टफोन से मैक्स 1080 की क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो रियर कैमरा से। तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इस स्मार्टफोन के रियर कैमरा से, और अभी एक्चुअली क्या है, जैसा मौसम हो गया है तो सूर्य देवता जा चुके हैं, मतलब लो लाइट हो गई है काफ़ी, पर फिर भी ठीक ठाक क्वालिटी आ जा रही है। और हाँ, अगर हम इसका स्टेबलाइजेशन देखें तो मैं थोड़ा सा भाग के आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एंड हाँ यार, काफ़ी अच्छा स्टेबलाइज कर रहा है, तो मतलब कह सकते हैं कि कैमरा ठीक ठाक है, और आपको इसके माइक की क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो गया होगा।
फ्रंट कैमरा भी, मतलब कल जब हम लोग टेस्टिंग के लिए आए थे तो अच्छी खासी क्वालिटी आ रही थी फोटोज़ में भी, वीडियोज़ में भी और ये सेल्फी वाले में भी। बट अभी क्या है ना कि मैं बता रहा हूँ, सूर्य देवता देखो हमारे गायब हो गए हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा सा इशू है। बट कैमरा इतना बेकार नहीं है, मतलब अच्छी खासी फ़ोटो कैप्चर की जा सकती है और वीडियो भी आप ले सकते हो। बाकी स्टेबलाइजेशन भी मिलता है, मैं भाग के दिखा देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा बहुत तो स्मूथ आपको मिलता है वीडियो। अरे सेल्फी भी तो बची हैं अभी, देखो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ आई मीन सेल्फी कैप्चर की हैं हमने, और क्वालिटी भी मतलब इस बजट रेंज की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट कैमरा काफ़ी परफेक्ट काम करता है। हाँ कहीं कहीं अगर लाइटिंग कंडीशन बिल्कुल ख़राब है वहाँ फ़ोटो ख़राब हो सकती है, अदरवाइज़ सोशल मीडिया या फिर रेगुलर यूज़ के लिए सेल्फी भी काफ़ी अच्छी आ जाती हैं। पर सेल्फी कैमरा में लाइट कंट्रोलिंग थोड़ा सा इशू हो सकता है। आई मीन अगर आप डायरेक्ट सूर्य देवता के कॉन्टैक्ट में फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो बैकग्राउंड तो कभी कभी मतलब ठीक ठाक हो जाता है, पर शक्ल पता नहीं अजीब सी हो जाती है, और यही रियर कैमरा के साथ में होता है। अब रात की बातें कैसे भूली जा सकती हैं भाई, तो सिर्फ 13,000 रुपए की स्मार्टफोन से रात में इतनी ठीक ठाक फोटोज कैप्चर करना काफी अच्छी बात है। काफी सारे फोटोज खींचे हैं अपने, बेसिकली मैंने लो लाइट में फोटो खींचने की ज्यादा कोशिश की है क्योंकि लाइट में तो फोटो अच्छी आई जाती है, असली टेस्ट होता है अंधेरे में। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि नाइट में भी स्मार्टफोन अकॉर्डिंग टू कीमत काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मैं अकेला नहीं हूँ तारीफ करने वाला भाई। अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाके देखोगे तो लगभग 60% से ज़्यादा लोगों ने इसे 5 रेटिंग दी है, और कमेंट्स पढ़ो भाई, तारीफों के पुल बने पड़े हैं। अमेजन पर भी काफ़ी सारे लोगों ने 5 स्टार की रेटिंग की है। तो अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से स्मार्टफोन में 4G प्लस की कमी है, बाकी अल्ट्रा वाइड सेंसर की कमी है, और हाँ एमोलेड स्क्रीन लगा सकते थे पर प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं मिलता। तो डेली यूज के लिए, नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए या फिर गेमिंग के लिए आप इसे बिना सोचे समझे ले सकते हो, नो दिक्कत। बाकी सब्सक्राइब कर दो।